क्या हम लोग लाइव हो गए हैं? हाँ शायद हम लोग लाइव तो हो गए। ठीक है, तो फाइनली वी आर लाइव। और सभी को सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। तो बस स्वागत है आप सभी का गरीब ब्राह्मण के दरबार में। गुड मॉर्निंग जैन, गुड मॉर्निंग दिलेशा, हाय यश, हाय खुशबू, गुड मॉर्निंग अल्फेज, स्वागत है अर्पित आपका ब्राह्मण के दरबार में। हाय सोनिया, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी का स्वागत है। क्या बात है, दर्शना भी आ गई मेरी। हाय दर्शना, गुड मॉर्निंग दर्शना, कैसे हो? बोलो आज वापस से व्हाइट शर्ट। मेरे पास गिनती के दो तीन तो कपड़े हैं, बस वही पहनता हूँ, ज्यादा है ही नहीं। दर्शना क्या करें अब। गुड मॉर्निंग गौरी, गुड मॉर्निंग उज्मा, स्वागत है आप सभी का। एक बार आप लोग फटाफट लिंक शेयर कर दे। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरा मोबाइल वो घर पर रह गया है, तो इस कारण मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग कर दें। गुड मॉर्निंग आदित्य, स्वागत है आपका ब्राह्मण के दरबार में। तो थोड़ा सा एक बार आप लिंक शेयर कर दें, तब तक मैं मेरी पानी की बोतल को सर्च कर लेता हूँ कहाँ रखी है। रखी तो बैग में है, मतलब निकाल लेता हूँ। चलो मिल गई, क्योंकि बिना पानी के काम कैसे चलना है। वेरी गुड मॉर्निंग आर्यन, कैसे हो आर्यन? क्या बात है, मेरी उर्वशी भी आ गई। गुड मॉर्निंग उदय ठाकर, गुड मॉर्निंग उर्वशी। उर्वशी मेरी सृष्टि को लाया जाए, मेरी रोशनी को लाया जाए और मेरी राधिका खत्री को लाया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी। इन तीन तक मैसेज पहुंचाया जाए, इनको भी लाया जाए जल्दी से। तो वेट करेंगे हम लोग लगभग 30-40 सेकेंड और, उसके बाद हम लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। और क्या लग रहा है, न्यूज सुनी? बड़ी बुरी न्यूज है। बड़ी बुरी न्यूज ये है कि मे बी द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अबाउट द फुल लॉकडाउन ऑफ 20-21 डेज आफ्टर 2nd of May, यानी कि मे का मंथ कंप्लीट लॉकडाउन। कहां पर? नेशनल लेवल पर, केवल आपके शहर में नहीं। तो गवर्नमेंट प्लान कर सकती है अबाउट द फुल लॉकडाउन। कारण क्या? न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना। गुड मॉर्निंग अविनाश, जय श्री राम अविनाश, जय श्री राम। सभी को हैप्पी रामनवमी। और कहते हैं ना, राम के चित्र की नहीं, राम के चरित्र की पूजा करो। तो हमें चित्र नहीं, उनके चरित्र की पूजा करना है। तो लॉर्ड राम अपने आप में शानदार, जानदार। अगर उनका 5% भी हमारे अंदर आ पाए तो आप सुपर से ऊपर हो गए। पॉसिबल नहीं है उनका 1% धारण करने में, पसीने छूट जाएंगे हमें। उनका हम 5% क्या लाएंगे? और अगर हमने उनको फॉलो कर लिया तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे? हम तो सामान्य इंसान, इंसान इंसानों जैसी हरकतें करेगा। और जिस दिन वो अपने आप को उनके बराबर ले ला के खड़ा कर लेगा, तो लोग उनकी नहीं आपकी पूजा करने लगेंगे। पर भगवान राम के बराबर पहुंच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत सुधार आपको आपके अंदर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप शायद कुछ वहां तक पहुंच पाए, थोड़ा बहुत वो भी शायद। गुड मॉर्निंग राजकुमार। तो चलो, अब जो आएगा सो आता रहेगा। आपका काम है लिंक शेयर करना, आप लिंक शेयर करते रहो। ठीक है, हम लोग तुम्हारा पढ़ना स्टार्ट कर दें। बस जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका केवल नाम मुझे चाहिए अविनाश, और बस आप उनका नाम दो, बाकी उनके साथ क्या करना है और कैसे करना है, तो समय और तारीख दोनों मेरी होंगी, चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। गुड मॉर्निंग रोशनी, स्वागत है आपका। चलो देखते हैं। समझना कुछ बातें फटाफट। देखो, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरी राधिका अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? ऑस्मोटिक
प्रेशर। हाय सौम्य, वेरी गुड मॉर्निंग। सौम्य पहल को लाओ, राधिका को लाओ। हम क्या पढ़ रहे थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बात बताओ उर्वशी, कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी कब होगी? अब तो मैंने उम्मीद छोड़ दी है, देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। और आज हमें क्या पढ़ना है? ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके कुछ फॉर्मूलाज जो डिस्कवर हुए हैं, ठीक है? सुनना, साइंटिस्टों ने जब रिसर्च करा अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन लेके, तो उनको क्या आउटकम मिले? उनको आउटकम ये मिले। अच्छा, यहां पर कैसे आ गए हम? कल तो हमने बात छोड़ी थी कहां पर? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पर। पहले वो पढ़े ना, ठीक है, फिर इस पे आएंगे। तो पहले हम वो पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। सुनना ध्यान से, जो ऑस्मोसिस होता है ना, वो दो टाइप का होता है। जो ऑस्मोसिस होता है वो दो टाइप का होता है। गुड मॉर्निंग तनिष, क्या बात है श्रेया। हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग श्रेया, कल कहाँ थे आप? सुनना ध्यान से, तो जो ऑस्मोसिस होता है वो दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? एक ऑस्मोसिस होता है एक्सो ऑस्मोसिस, और एक क्या होता है? एंडो ऑस्मोसिस। तो एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस और एक क्या होता है? एंडो ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं, एक्सो एंड एंडो। ये बात आपको पता है, बढ़िया। अब देखो, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस में क्या अंतर होता है? सबको पता है ना, एक्सो मीन क्या? सॉल्वेंट, यानी कि यहां पर सॉल्वेंट की बात चलेगी। इसकी एक्सो मतलब एग्जिट, और ऑस्मोसिस में कौन टेक पार्ट करता है? सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्वेंट एग्जिट, एंडो मतलब इनसाइड या इन, और ऑस्मोसिस में टेक पार्ट कौन करता है? सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्वेंट एग्जिट लेगा। चलो इनके बजाय लिख देता हूं मैं यहां पर इंट्री। यहां पर सॉल्वेंट क्या लेगा? इंट्री लेगा। तो ध्यान से सुनना, ऐसा ऑस्मोसिस जिसमें सॉल्वेंट सेल से बाहर चला जाए उसको कहा जाता है एक्सो ऑस्मोसिस, और जिसमें सॉल्वेंट सेल के अंदर आ जाए उसको क्या कहा जाता है? एंडो ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है? एंडो ऑस्मोसिस। तो गौरी सुनना ध्यान से, एक्सो मतलब सॉल्वेंट का सेल से बाहर जाना, और एंडो मतलब सॉल्वेंट का सेल के अंदर आना। और ये बात तो हमको पहले से पता है, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट ही पार्टिसिपेट करेगा। देयर इज नो रोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कोई रोल ही नहीं है। जो भी रोल है सारा का सारा इसका है, जस्ट ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट कैन पार्टिसिपेट, सॉल्यूट कांट। तो सॉल्यूट तो करता ही नहीं है, अंदर जाना बाहर जाना कुछ भी होना इसका काम रहेगा सॉल्वेंट का। Why? Because just only solvent can participate. Only solvent can participate. आई बात समझिए। तो यहां पर केवल सॉल्वेंट ही क्या कर पाता है? पार्टिसिपेट कर पाता है, ठीक है। आपने एक एग्जाम्पल देखे होंगे, क्या एग्जाम्पल देखे हैं? आप मार्केट से अंगूर लाए खरीद के, अंगूर को आप पानी में कुछ देर पड़ा रहने दो, अपने आप उसमें क्रैक आ जाते हैं, अपने आप अंगूर आपका फट जाता है। कारण क्या? उसके अंदर पानी अंदर चला गया, एंडो ऑस्मोसिस हो गया। पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रू SPM, तो वहां पर क्या हो गया? एंडो ऑस्मोसिस हो गया। आप उसी अंगूर को शक्कर की चाशनी में डाल दो, आई बात समझ, शुगर सायरप में चाशनी में डाल दो, आपका अंगूर श्रिंक कर जाएगा। क्यों श्रिंक कर गया? वापस से वही हुआ, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां चला गया? लो कंसंट्रेशन में, आई बात समझ। तो आपका अंगूर क्या कर गया? श्रिंक कर गया। आपका अंगूर क्या कर गया? श्रिंक कर गया। तो ये बातें आपको समझ आ गई, ये बातें आपको समझ आ गई कि एक्सो का सिंपल सा मतलब होता है सॉल्वेंट का बाहर जाना, और एंडो का सिंपल सा मतलब होता है सॉल्वेंट का अंदर आना। किससे बाहर, किसके अंदर? ऑब्वियस सी बात है, सेल की बात चलेगी, और किससे अंदर बाहर करेगा? आई बात समझ। तो सॉल्वेंट का सेल के अंदर आना एंडो ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट का सेल के बाहर जाना एक्सो ऑस्मोसिस। देयर आर वेरियस एग्जांपल इन द NCERT, यू कैन गो थ्रू इट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, मामा आ गए हमारे। गुड मॉर्निंग मामा। मालूम, इतनी गर्मी में जब केवल पानी का एक घूंट अंदर जाता है ना,
इतना सुकून देता है जितना दिन भर में खाना खा के नहीं मिलता। चलो आगे बढ़े, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ लिया, अब कुछ बातें और क्या मालूम, सब कुछ हो गया, हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, उन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ लिया, लेकिन सबसे मेन चीज जो पढ़ना चाहते थे वो थी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। वो तो पढ़ी ही नहीं, उसको तो पढ़े तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या बात है। ऋतिक दा गया, हाय ऋतिक स्वागत है आपका। डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर समझना क्या होती है, देखो ये आपके पास SPM है, ठीक है बढ़िया है। SPM के एग्जांपल भूल गए कि याद है, कैसे याद होगा, तीन खास एग्जांपल बताए थे मैंने, क्या बताया था, एक बताया था मैंने एनिमल मेम्ब्रेन, और भूल नहीं जाना, चीजों को याद रखना है, और एक बताया था मैंने कौन सा, सेलोफेन, एक बताया था मैंने आपको कौन सा, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एग्जांपल है SPM के। अब ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट इस SPM से होके जाना चाहता है, ये सॉल्वेंट इस SPM को क्रॉस करके आगे जाना चाहता है, ठीक है उसकी इच्छा है, पर क्या SPM की इच्छा है, SPM की इच्छा होगी तब भी वो अपने लेवल पे कोशिश करेगी रोकने की। कारण क्या पता है आपको, दुनिया में हर चीज इनर्शिया के रूल को फॉलो करती है, किसको फॉलो करती है, इनर्शिया को, यानी कि वो जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, वो अपने अंदर किसी भी टाइप का चेंज लाना पसंद नहीं करती है। तो आपकी SPM कोशिश करेगी कि यार ये सॉल्वेंट ना जाने पाए, ये सॉल्वेंट ना जाने पाए। समझाता हूं मैं, ये SPM है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जाना चाहता है, SPM पूरा जान लगा देगी, पूरा दम लगा देगी कि नहीं सॉल्वेंट ना जाने पाए। हालांकि आपको पता है सॉल्वेंट का फोर्स ज्यादा है, सॉल्वेंट तब भी चला जाएगा, साइज छोटा है सॉल्वेंट चला जाएगा, लेकिन SPM अपने लेवल पे एफर्ट लगाएगी कि ऐसा ना हो। बस वही जो प्रेशर है वो अपने आप में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्स ऑफ NCERT, लाइंस ऑफ NCERT, क्या प्रेशर अप्लाइड बाय दी SPM, प्रेशर अप्लाइड बाय दी SPM ऑन दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, SPM प्रेशर लगा रही सॉल्वेंट पे, प्रेशर अप्लाइड बाय द SPM मॉलिक्यूल्स ऑन दी सॉल्वेंट पार्टिकल टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑन दी सॉल्वेंट पार्टिकल टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ, तो हम जो पढ़ना चाह रहे थे वहां तक हम पहुंच गए, हमारा टॉपिक क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, और फाइनली हम लोग कहां पहुंच गए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑन द सॉल्वेंट पार्टिकल टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। गॉट इट और नॉट, बातें समझ आई यहां तक, कहां गई मेरी उर्वशी, उर्वशी आपने जवाब नहीं दिया मेरे प्रश्न का कि मेरी हैंडराइटिंग कब तक अच्छी हो जाएगी, नाराज वाराज हो क्या ब्राह्मण से। चलो फिर पूछ लेते हैं हम हमारे आर्यन झाला से, आर्यन झाला हैंडराइटिंग वगैरह अच्छी होगी अपनी कि नहीं होगी, अभी तो हैंडराइटिंग से बड़ी चिंता आ गई मुझे बीएड्स की, बहुत ज्यादा ही बड़ी हो रही है, और लग नहीं रहा मुझे सरकार लॉकडाउन हटाने के मूड में है। चलो तो कहानी को आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा, हम ये तो समझ गए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है अपने आप में, अब मालूम इस ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्या बात है रुद्रांश आ गया मेरा, गुड मॉर्निंग रुद्रांश स्वागत है आपका, पानी से स्वागत करेंगे आपका। सबसे बड़ा स्वैग इसी में है ना, सुनो समझना फटाफट,
देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मालूम ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आ गया लोगों को कि क्या होता है, लेकिन अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर जो था, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला डिराइव करना था तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए। एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाए, क्या होता है पाए, ये अपने आप में कंसंट्रेशन के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये अपने आप में टेम्परेचर के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या कर दिया गया, इन दोनों को इक्वेशंस को मिक्स कर दिया गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या हो जाएगा, पाए प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। बढ़िया, प्रोपोर्शनल हटाया गया तो एक कांस्टेंट लग गया आर, तो हो गया आर सी टी। ठीक है, तो हो गया पाए इज इक्वल टू सी आर टी, ये हो जाएगा पाए इक्वल टू सी आर टी। यह आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, क्या आ गया पाए इक्वल टू सी आर टी। के आर बीच में बेकार आ गया यार, ये अच्छा था सी फॉर छवि, टी फॉर तिवारी, ये आर कौन आ गया बीच में, आर सूट नहीं कर रहा यहां पे। पाए इक्वल टू सी आर टी, पाए इक्वल टू क्या हो गया सी आर टी हो गया। यह आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, क्या आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा झाला, समस्याएं बड़ी हैं जीवन में तो आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा। अब तो मुझे लग रहा है सरकार बहुत मजे ले रही है, तो सरकार से ज्यादा मजे कोरोना। सरकार के पास मालूम प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि वहां पर दिमाग वाले लोग बैठे होंगे, पर अगर मंत्री दिमाग वाले हो जाए तो देश का भला ना हो जाए। उनको ये नहीं पता है कि कैसे मैनेज करा जाता है किसी भी पैंडेमिक को, उनको मैनेज करने में उनको ये नहीं पता है कि हम क्या स्कीम्स बनाएं तो हम इसको एक बहुत लिमिटेड एरिया में कंट्रोल कर सकते हैं। अरे मुझसे राय ले लो, आप जो स्कीम्स बनाते हो उससे अच्छी राय तो मैं दे दूंगा, और इफेक्टिव जो अप्लाई करो तो रियल में काम करे। पर क्या करें, ये ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को लाते हैं ना जिनको इन चीजों के बारे में ऐसा ज्ञान नहीं है। जो अच्छे लोग राय देते हैं वो फॉलो नहीं करेंगे। तो वो एम्स के डायरेक्टर ने रणदीप गुलेरिया ने शानदार राय दी, उस राय को मानेंगे नहीं, चलाएंगे उनकी जिनको कुछ आता नहीं है, जो बस घबरा जाते खुद ही पहले। घबरा जाओगे तो समस्या का सामना कैसे करोगे, युद्ध में उतरे हो ना। अब सामने वाली सेना कितनी भी ताकतवर हो, आपका विश्वास आपको जिताएगा, आपकी प्लानिंग आपको जिताएगी। आपकी 10,000 की सेना 10 करोड़ वायरस को मार सकती है, बट विथ प्रॉपर प्लानिंग। प्लान तो अच्छा बनाओ, तैयारी तो अच्छी करो। 10,000 लोग बहुत होते 10 करोड़ से लड़ने के लिए। सरकार के पास अच्छे मालूम, आप ऐसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उन्हें प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करना नहीं आता है। पाई इक्वल टू सी आर टी, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई इक्वल टू सी आर टी, ये चीजें होती हैं। चलो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, कहानी को थोड़ा सा हम क्या करें आगे बढ़ाएं। ये फॉर्मूला सभी को समझ आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ था नहीं। हालांकि इस फॉर्मूले को देखते देखते आपको एक और चीज की याद आ गई होगी, ठीक मेरे झाला। ये फॉर्मूला देखते देखते आपको कुछ चीजें और याद आ गई होंगी। आप जो सोच रहे झाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि किसी की याद आ गई, मैं बोल रहा हूं आपको क्या याद आ गया होगा। आपको याद तो आई होगी आइडियल गैस इक्वेशन, क्या याद आई होगी आपको, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, कुछ ऐसी ही थी ना आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हो जाता था पी इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी, तो क्या हो जाता है पी इक्वल टू सी आर टी, क्या हो जाता है पी इक्वल टू सी आर टी, पी को रिप्लेस करा पाए से तो पाए इक्वल टू सी आर टी। तो रियल में ये आइडियल गैस इक्वेशन थी और ये आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन, और ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन है।
दिख रहा है ना, दिखने में लगभग लगभग बहुत हद तक सिमिलरिटीज है बिटवीन द आइडियल गैस इक्वेशन एंड द इक्वेशन बाय विच यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट्स वाई द इक्वेशन विच इज यूज टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली रिटन एज आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन. आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन. आई बात समझ, यहां तक चीजें क्लियर हैं या नहीं बताओ. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला समझ आया या नहीं बताओ जल्दी से. हाँ बताओ कहाँ रह जाते हो मेरे मित्रों, बताओ कमेंट सेक्शन में. ब्राह्मण आपके जवाब का इंतजार कर रहा है. चलो मेरी एक दोस्त ने बताया, दर्शना ने, पर बस इतने लोगों में मेरा एक ही दोस्त, बाकी लोग कहाँ हैं? यश, दिलेशा, उर्वशी, अविनाश. ठीक, कहानी को फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा कहानी को और आगे लेकर जाते हैं. क्या बात है सोनिया, सोनिया को भी आ गया, राजकुमार को भी आ गया. मेरे मेरी श्रेया कहाँ चली गई, प्रेजेंट है कि गायब हो गई, अटेंडेंस लगा के गायब. हाय गौरी. थोड़ा सा और टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं. क्या करें, अब कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा जीवन में. हाँ प्रेजेंट है मेरी श्रेया, सुनो श्रेया. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय द यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. बाय द यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी. बाय द यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो मेरे अल्फेज बात करें तो बात करते हैं किसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय द यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. बाय द यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. समझना, बड़ा आसान सा है. अभी अभी तो साबित करा था क्या, पाई इज इक्वल टू सी आर टी. बढ़िया है, एक नंबर. तो पाई इक्वल टू जहां सी था वहां पर एन बाय वी आर टी. बढ़िया, हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो जहां पर एन है वहां पर एन बी आ जाएगा, तो एन बी अपॉन वी आर टी. कोई दिक्कत नहीं, बी क्यों आ गया, क्योंकि आप सॉल्यूट की बात कर रहे हैं. ठीक है, एन बी का फॉर्मूला आता है क्या? क्यों नहीं आता सर, आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाया तो हम लोग आपका मान सम्मान तो रखेंगे. ठीक है, एन बी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. बी को एज इट इज लिखा, आर टी को एज इट इज लिखा, बी को उठा के ऊपर ले गए. जब वी को उठा के ऊपर ले गए तो हो गया पाए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन में बी. सर आपने बोला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करो, तो हम एम बी को इस साइड लेकर आ गए और पाए को उस साइड लेके चले गए, तो डब्ल्यू बी अपॉन पाए इंटू आर टी अपॉन वी हो गया. देखो ना सर, हमारा आंसर आ गया ना सर. आप तो ऐसे ही हमारे मजे लेते रहते हो कि तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, दिमाग में गोबर भरा है. पर सर हम अच्छे बच्चे हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं. देखो आपने समझाया और हमने आंसर निकाल भी दिया, हमारा एक बार में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया और हम समझ भी गए. तो बताओ सही में समझे कि नहीं, कि अभी भी कोई समस्या? बताओ कोई दिक्कत, जल्दी कोई समस्या किसी को? समस्या कोई कि समझ आ गया सब?
अच्छा एक बात बताओ, हमने इतना सारा पढ़ा, क्या आपको आज तक लगा कि पढ़ाई में कुछ कठिन है? मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लेक्चर्स में के बाद आपको कम से कम जो भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे वहां पर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ भी पढ़ाई में कठिन है, कि पढ़ाई में कुछ अपने आप में कठिन होगा। कठिन तो रियल में कुछ भी नहीं, पढ़ाई में सब आसान, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करना है और रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। हाँ दिलेशा ने बोला है मेरी कि सर एक बार और, तो दिलेशा क्यों नहीं बताएंगे, आपसे बढ़ के थोड़ी है। देखो पाई इक्वल टू सी आई टी होता है, सी का फॉर्मूला एन अपॉन वी होता है, तो जहां पर सी था वहां पर एन अपॉन वी आ गया। सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो एन बी ले लिया, एन बी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है, वो लिख दिया, बी को ऊपर ले गए तो ये बी ऊपर आ गया, एम बी को इस साइड ले गए और पाई को इस साइड ले आए, सर आ गया खत्म। बस इतना सा करना था और तो कुछ करना ही नहीं था। लेकिन मालूम अर्पित समझ सब आ गया, पर ये बड़ा अन्याय है आपका मेरे ऊपर, गरीब ब्राह्मण के ऊपर। क्या अन्याय है, आते हो 25 लोग को लाइक करते हो 12, घोर अन्याय है, पाप लगेगा जीवन में पाप। ब्राह्मण के साथ गलत कर रहे हो, प्रेजेंट लोग 25 और लाइक कितने मात्र 12। इतनी शानदार पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो बस केवल आपका लाइक देख के खुशी मिलती है ना। सुनना ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हुई, यहां तक की बातें आई समझ सभी को। चलो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी को और आगे हम क्या ले जाएं, देखते हैं, समझना। मोलर मास निकालना भी आप सीख गए। एक कुछ बातें और अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। मालूम आपको अगर हम क्या पढ़ना चाहें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहां पर आपको तीन टाइप के मिल जाएंगे सॉल्यूशन। कितने टाइप के? तीन टाइप के। तीन टाइप कौन कौन से हो जाएंगे वो देखो आप। पहला वाला हो जाएगा हाइपरटोनिक, पहला वाला क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। और तीसरा क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। डेफिनेशन एग्जाम्स में नहीं आती है कि डेफिनेशन आती है, और ना ही कॉम्पिटिटिव्स में आएंगी डेफिनेशन लिखने के लिए। आपको क्या आएगा? कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या पूछेंगे वो? कोई सा कंसेप्चुअल प्रश्न पूछेंगे आपसे, तो बिल्कुल डेफिनेशन का हमें रट्टा वट्टा नहीं मारना है, क्योंकि जीवन में रट्टा काम आना भी नहीं है। सुनना क्या होता है, आपको बस समझना है। आपके पास तीन टाइप के सॉल्यूशन, ठीक है, ए बी सी रखे हुए मान लो, या ए और बी रखा हुआ है। एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो जिसका ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसका कम वो हाइपोटोनिक। ये हमेशा रिलेटिव रहेगा एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो क्या? हाइपरटोनिक। जिसका कम वो क्या? हाइपोटोनिक। अगर दोनों का इक्वल तो क्या? आइसोटोनिक। जैसे आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हो जाए तो बोलते हैं ना क्या हो गया अर्पित? हाइपरटेंशन। क्या हो गया? हाइपरटेंशन। और अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो क्या बोलते हैं अवनीश? आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, आई बात समझिए, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो आई बात समझ, ऐसे ही हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। और अगर ए और बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तो क्या हो जाएगा वो? आइसोटोनिक। क्या हो जाएगा वो? आइसोटोनिक। पर आपको मालूम काम की बात, एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं। एग्जाम वाले कैसे पूछते हैं? ऐसा पूछ लेंगे व्हाट हैपेंस इफ अ ह्यूमन आरबीसी इज डिप्ड इन 0.8% NaCl सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए 0.8% अपने आप में हाइपरटोनिक हो गया है। क्या हो गया है? हाइपरटोनिक। और अगर हाइपरटोनिक में आप डालोगे आरबीसी को तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। उन्होंने बोला आरबीसी को किसी हाइपोटोनिक में डाल दिया तो क्या? एक्सपांड कर जाएगी, अंदर पानी भरा जाएगा, फूल जाएगी। आई बात समझ? तो अगर हाइपरटोनिक में आप किसी भी चीज को डालो, किसी सेल को डालो, तो श्रिंक कर जाती है,
और अगर हाइपोटोनिक में डालो तो वो स्वेल कर जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप किस में डालोगे, हाइपरटोनिक में, तो श्रिंक करेगी, और किस में डालोगे, हाइपोटोनिक में, तो क्या हो जाएगी, स्वेल करेगी। ये बात समझ आई क्या, जल्दी से कमेंट करो दोबारा एक बार। तो हमारे सॉल्यूशंस भी खत्म। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। नमस्कार सौरभ, नमस्कार, स्वागत है आपका गरीब ब्राह्मण के दरबार में। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये हो गए तीन टाइप के क्या सॉल्यूशन। चलो बढ़िया। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, ब्राह्मण खुश होता रहेगा, बढ़िया एक नंबर पढ़ाई करते रहो, जीवन में चाहिए ही क्या और। दीपिका नहीं, वो तो रणवीर ले गया, कैसे मिलेगी अब, क्या बात है, पहल आ गई मेरी। हाय पहल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गरीब ब्राह्मण के दरबार में। पहल केवल ये बताया है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के तीन टाइप होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। जिसका ज्यादा हाइपरटोनिक, जिसका कम हाइपोटोनिक, दोनों का इक्वल तो आइसोटोनिक। और थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिए थे हमने, जिनको आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को दो तीन मिनट आप देख सकते हैं। अच्छा, अब सोनिया ने बोला है, एक बार और, तो फिर एक बार और बोलना, मेरी सोनिया बुरा मान जाएगी, बोले सर पहल ने बोला तो आपने बता दिया और मैंने बोला तो नहीं, ये सही बात नहीं है। चलो ठीक है सोनिया, आपके लिए भी सॉल्यूशन है आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वो अपने आप में हाइपरटोनिक, जिसका कम वो हाइपोटोनिक, दोनों का इक्वल तो आइसोटोनिक। एग्जाम्पल दिया मैंने ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो हाइपरटोनिक, हाइपरटेंशन, कम हो जाए हाइपोटेंशन। सेम ऐसा यहां पर भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा जिसका वो हाइपरटोनिक, जिसका कम वो हाइपोटोनिक, दोनों का इक्वल तो आइसोटोनिक। गॉट इट। गुड मॉर्निंग भारती। तो चलो यहां तक की बातें सभी को समझ आ गई, कहानी को और आगे बढ़ाएं, बढ़ाना ही पड़ेगा, अभी बहुत सारी बातें करना बाकी हैं। ठीक है, तो कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। और ये जो कुछ लोग आते हैं ना यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, फॉर द फन, बस मेरा चेहरा देखने, टाइम पास करने, भाई जितनी देर क्लास चले ना उतनी देर पूरा प्रेजेंट रहोगे तब तो समझ आएगा, मुझे देख के हाय करके खुश हो गए, मजा थोड़ी आएगा जीवन में, टॉपिक समझना है ना, तो रहो प्रेजेंट, ब्राह्मण का साथ दो, ब्राह्मण आपके लिए जी जान झोंक देगा, तो बस थोड़ा सा ईमानदारी से प्रेजेंट रहो। कोई हम यहाँ पर टूर पे नहीं आए कि थोड़ा सा घूम के साइट विजिट करके गायब हो जाते हैं, शुरुआत में संख्या ज्यादा फिर कम हो जाती है, ऐसे नहीं, टाइम पास करने यहाँ पर नहीं आ रहे हम लोग, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई मांगता है डेडिकेशन, समर्पण, आपसे वो चाहिए। और बहुत समय पड़ा है जीवन में याशी करने के लिए, फिर दो चार घंटे पढ़ लोगे दिन में, आपके पेरेंट्स, आपके फादर भी दिन में 8 घंटे 10 घंटे जॉब करते हैं ना, तो आपको भी दिन में इतना समय पढ़ाई के लिए निकालना चाहिए। एक इंसान की लाइफ के पार्ट ही 3 ही होते हैं, 8 घंटा सोना, 8 घंटा काम, 8 घंटे आपकी पर्सनल लाइफ, जो भी आपको उसमें डेली एक्टिविटीज करनी है वो, बस 24 घंटे का इससे शानदार डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और मैं बता रहा हूँ जीवन में 8 घंटे पढ़ लिया अगर आपने, बड़ी से बड़ी एग्जाम हो, UPSC हो, कुछ भी हो, IIT JEE हो, नीट हो, सब क्रैक हो जाएगी सब, लेकिन जीवन में इसको आप अपना तो पाओ, 8 घंटा सोना, 8 घंटा पढ़ना, 8 घंटे अपने काम। अब क्या चाहिए, बस टाइम मैनेजमेंट सही रखो कि तीनों में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब आपका उल्टा हो जाता है, आपका हो जाता है 12 घंटा सोना, 10 घंटे पर्सनल काम, बचे 2 घंटे पढ़ाई, तो जीवन में सफलता के बजाय क्या मिलती है, असफलता। सफलता चाहिए तो फॉर्मूला अपनाओ, क्या 24/3, 24/3 मतलब क्या 8 आवर्स,
8 घंटे सोने के बहुत होते हैं, मोर देन इनफ, और मैं आपकी नींद में कोई कटौती नहीं कर रहा हूं। 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे अपनी खुद की एक्टिविटीज, नहाना धोना खाना पीना, इंस्टा फिंस्टा ये वो सब आ गया उसमें। तो 8 घंटे आपकी एक्टिविटीज, और जब पढ़ाई करो ना उस टाइम कम से कम कोशिश ये करो कि मोबाइल वगैरह और बाकी चीज़ें आप दूर रख दो, उनका लिमिटेड यूज़ करो, ना के बराबर यूज़ करो। पर आप सुनो, जब तो देखो जीवन में बड़ा लक्ष्य चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपको अचीवमेंट्स चाहिए तो उसके लिए समर्पण त्याग सेक्रीफाइस लगेगा, वरना नहीं मिलेगी बड़ी सफलता। छोटे मोटे परसेंटेज लाओ, छोटी मोटी अचीवमेंट पाओ, जीवन में खुश रहो। कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा त्याग, बड़ा परिश्रम, बड़ी मेहनत। और पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ब्राह्मण है ही सही, बोलो क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब आसान अपन चुटकी में करवा देंगे। लेकिन आसान तब बनेगी किसी भी इंसान की सफलता में, टीचर का रोल मात्र 5% होता है, 95% रोल उसका खुद का स्वयं का होता है। जब तक वो नहीं पढ़ेगा, कोई भी चाह ले, उसके अंदर सुधार नहीं आ सकता है। आप इस बात की गठान मान लें, किसी के पास कोई वो नहीं कि जादू की छड़ी घुमाएगा काम हो जाएगा, या जड़ी बूटी आपको देगा और काम हो जाएगा। मेहनत आपको करनी है, टीचर केवल गाइड करता है। तो हम लोग आपकी सक्सेस का जस्ट ओनली 5% पार्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो 5% हिस्सा बहुत बड़ा है। वो 5% हिस्सा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो 5% ही आपको लड़ने के लायक बनाएगा, वो 5% आप में विश्वास लाएगा, वो 5% आपको ये विश्वास दिलाएगा कि हाँ ये किताबें मुझे समझ आ सकती हैं, इनमें कुछ कठिन नहीं लिखा गया है, सामने वाले ने मुझे विश्वास दिलाया है कि जो लिखा गया है पढ़, मुझे क्या समझ कैसे नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, बताऊंगा कि इसमें ये लिखा है और आसान तरीके से। तो बस ईमानदारी से करनी है आपको मेहनत, और फिर आप देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता है, रिजल्ट तो आएगा। और हम तो मिशन पर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सोनिया, जोक ऑफ द डे, मैथ्स और मुझसे। एक बार अपने दोस्तों से आप मैथ्स की कहानियां सुनना मेरी, कि मेरा मैथ्स कितना अच्छा था, बहुत बहुत शानदार वाला एकदम। तो फिर आप शायद अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे कि मैथ्स मुझसे पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगर आप 9th 10th में होते दिन में एक बार ट्राई भी कर लेता सोनिया के लिए, बट मैथ्स ऑफ 12th क्लास वो भी मैं, नॉट पॉसिबल। चलो सुनो ध्यान से, कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, समझना चीजों को। देखो फटाफट समझना ध्यान से चीजों को, क्या चीजें हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का पता कैसे लगाया जाए। तो मालूम बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन सारे साइंटिस्टों ने कोशिश करी ऑस्मोटिक प्रेशर का पता लगाने के लिए, कोई मशीन बना लें, कोई एपरेटस डेवलप कर लें, कोई इंस्ट्रूमेंट बना लें। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सफल नहीं हो पाए। सफलता हर किसी को आसानी से थोड़ी मिल जाती है। बहुत से लोगों ने ट्राई करा कि यार हम अच्छी मशीन बनाए, पर बना नहीं पाए। लेकिन मालूम होता क्या है, टाइम टाइम पर इस धरती पे जीनियस लोग पैदा होते रहते हैं, ऐसा ही एक जीनियस इंसान पैदा हुआ जिसका नाम था बर्कले। तो एक इंसान आया जिसका नाम था बर्कले, क्या नाम था, बर्कले। ऐसा एक उसका दोस्त भी आया, उस दोस्त का नाम था हार्टले, क्या नाम था, हार्टले। तो बर्कले और हार्टले दो दोस्त, एक का नाम क्या, बर्कले, एक का नाम क्या, हार्टले। आ गए दो दोस्त, इन्होंने मिलकर एक मशीन बनाई ऑस्मोटिक प्रेशर का पता लगाने के लिए, और बड़ी अच्छी सी मशीन बनाई। अपने एक्सपेरिमेंट में ये सफल भी रहे। तो बर्कले हार्टले मेथड ये पढ़ेंगे हम, जिससे आप क्या निकालोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बर्कले हार्टले मेथड जिससे
वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्वाइट इजिली। तो सुनना ध्यान से, तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट एक एपरेटस बनाया, उसका हम एक रफ डायग्राम, रियल में एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है पर कुछ कुछ ऐसा होता है, क्योंकि देखो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन द 2D एंड 3D इमेज। इन 3D इट लुक्स लाइक दैट, देखो कुछ ऐसा, ये तीन ट्यूब ऐसी रहेंगी इन 3D, पर किताब में जब हम बनाएंगे अभी बोर्ड पे डायग्राम तो ऐसा नहीं बनेगा। ये सेंट्रल ट्यूब, ये अपर ट्यूब और ये लोअर ट्यूब, ऐसी तीन ट्यूब्स होती हैं इन रियलिटी। पर अभी हम जो बनाएंगे वो अपने आप में कैसा रहेगा, 2D डायग्राम। तो देखते हैं 2D कैसा बनाएंगे हम लोग। तो आते हैं, तो सुनना ध्यान से, तो हम बर्कले हार्टले मेथड, हेडिंग तो आपने नोट कर ली है, मैं जगह बचाने के लिए हेडिंग को थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ और शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ BH मेथड, बर्कले हार्टले मेथड। तो हम यहाँ शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, बर्कले हार्टले मेथड। सुनना ध्यान से, बर्कले हार्टले मेथड क्या होती है इसको आप अच्छे से समझना, बड़ी आसान सी मेथड है और कठिन भी होगी तो कोई लूट नहीं है, मैं हूं ना तो आसान बना के पेश करूंगा। देखो बर्कले हार्टले के जो एपेरेटस था उस एपेरेटस में क्या था, एक सेंट्रल ट्यूब, ये बना दी हमने क्या, एक सेंट्रल ट्यूब, तो ये आ गई एक सेंट्रल ट्यूब। तो बर्कले हार्टले की मेथड में क्या थी, एक सेंट्रल ट्यूब थी, जो मैं यहां पर कोशिश करता हूं लिखने की जगह निकाल के सारी की पॉइंट्स में यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या थी, एक सेंट्रल ट्यूब, ये सेंट्रल ट्यूब पोरस थी, इसमें छोटे 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 क्या थे, शेप थे, जैसे आपने कोई एक पेज ले लिया उसमें अपने डिवाइडर से ऐसे होल्स कर दिए हैं, आई बात समझ। तो इसमें बहुत छोटे छोटे क्या थे, शेप थे, और ये बनी थी स्टील की, तो ये थी अपने आप में पोरस स्टील ट्यूब, क्या थी, पोरस स्टील ट्यूब। तो ये थी अपने आप में पोरस स्टील ट्यूब, बढ़िया। आफ्टर पोरस स्टील ट्यूब इन्होंने क्या करा, अंदर की तरफ यहां पर, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, रियल में वो प्लेन रही होगी पर मैंने ऐसा शेप जानबूझ कर दिया है ताकि अलग से वो हाईलाइट हो जाए। ये लगा दी इन्होंने यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल और केवल सॉल्वेंट पास हो पाता है, सॉल्यूट पास नहीं हो पाता है। ये जो SPM थी ये बनी थी कॉपर फेरो साइनाइड की, किसकी बनी थी, कॉपर फेरो साइनाइड की, ये किसकी बनी थी, कॉपर फेरो साइनाइड की बनी हुई थी। अब आपको मालूम कॉपर फेरो साइनाइड अपने आप में एक आर्टिफिशियल SPM है जिसको लैब के अंदर बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज में बनाया जा सकता है, बहुत स्ट्रांग होती है, कैन बियर हाई प्रेशर, उस पर हाई प्रेशर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, टूटती उठती नहीं है, तो कैन बियर हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये SPM लगा दी, अब क्या करें, तो इस तरफ लगा दी गई एक कैपिलरी ट्यूब, ये लगा दी कैपिलरी ट्यूब, तो लिख देते हैं कैपिलरी ट्यूब, नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं, तो नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया, ये लगा दिया गया यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब। इधर इस साइड क्या लगाया गया, फनल, तो इस साइड लगाया गया फनल, इधर क्या लगा दिया गया, फनल लगा दिया गया, ये इस साइड क्या लगा दिया हमने, फनल लगा दिया, और मेरे डायग्राम तो एकदम माशाल्लाह इतने खूबसूरत बनते हैं कि जीवन में इनसे अच्छा फिर कोई बना भी नहीं पाएगा। तो देख सकते हो आप मेरे डायग्राम, हाँ पर इतने बन जाएंगे कि आपको समझ आ जाए, काम चलाऊ बन जाएंगे, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, ये क्या लगा दी हमने, इस तरफ एक फनल लगा दी, जिसको हम लोग नॉर्मली हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारी लोकल भाषा में झब्बी, तो हमने क्या लगा दी, कुप्पी झब्बी फनल, आप जो बोलना चाहो, तो हमने क्या लगा दी, एक फनल लगा दी, क्या लगा दी हमने, एक फनल लगा दी, बढ़िया। अब क्या करें, फनल लगाया है तो पानी तो भरो, तो फनल लगाया, फनल लगा के पानी भरना स्टार्ट करा, ये यहाँ पर हमने भर दिया पानी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ गया, पानी आ गया, लिख दें पानी का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, H2O, पानी यहाँ भी चढ़ गया, पानी यहाँ भी भर गया, यहाँ तक आ गया पानी, थोड़ा बहुत पानी इधर भी होगा, तो हमने इधर भी जो पानी था, चलो पानी न डालें इधर, इधर हमने नट बोल्ट से यहाँ पर एक ऐसा स्क्रू लगा दिया ताकि पानी यहाँ से ज़्यादा ऊपर ना जाने पाए, तो हमने ऐसा यहाँ पर एक स्क्रू लगा दिया,
तो इसमें पानी केवल यहीं तक रहेगा। आई बात समझ, यहां तक बस टाइट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ताकि हमें बस एक तरफ का ही लेवल मेजर करना पड़े, सेकेंड तरफ आपको लेवल का लोड ना रहे। ठीक है, बढ़िया। हमने मार्कर पेन से मार्क कर लिया कि स्टार्टिंग में यहां तक पानी है, कि हमने यहां तक पानी भरा है, तो हमने ये मार्कर पेन से मार्क कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या करें? पानी भरने के बाद फनल लगाया था, फनल लगाने के बाद पानी भरा, बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, एक कवर लगा देते हैं इस तरफ, दोनों तरफ ये कवर लगाया, कवर मतलब ट्यूब, कवर मतलब ही क्या है अपने आप में, ट्यूब। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा कवर लगा दिया, एक ट्यूब लगा दी है। ठीक है, थोड़ा मैं खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बना तो नहीं होगा पर ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मेरे डायग्राम भी अच्छे हो जाएंगे। मालूम आपको यकीन नहीं होगा मेरे डायग्राम देख के कि मैं बायो से हूं, मैंने बायो लिया है आफ्टर टेंथ, और इतने शानदार परसेंटेज बनाए हैं। क्या करें, डायग्राम हमको आता नहीं था, लेकिन हमको एक चीज बहुत अच्छी आती थी, वो थी दोस्ती। और तो मेरा नाम भी ऐसा था कि मेरा नाम हमेशा चालू सी से होता था, और सी नाम से लड़के तो बहुत कम होते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, तो मेरे आगे पीछे हमेशा लड़कियां ही बैठा करती थी, लड़के ना के बराबर, और उसका फ़ायदा मुझे मिल जाया करता था। मैं उनसे बोल दिया करता था एग्ज़ाम में कि देख भाई, भाई नहीं सॉरी, ना ही बहन, बस केवल ये कि जो पूछना है वो पूछ लेना एग्ज़ाम में, लेकिन बस मेरे डायग्राम बना देना। और बाय द वे मैं टॉपर था, थोड़ी गरज लोग कर ही लेते थे। सुनना ध्यान से, तो हमने क्या करा, आसपास ये जो ट्यूब लगाई हैं, इनको किताब में बोला जाता है कवर। कौन सा कवर लगाया हमने? गन मेटल का बना हुआ कवर, तो गन मेटल का बना हुआ जैकेट, तो हमने लगा दिया गन मेटल का बना हुआ जैकेट। गन मेटल का बना हुआ क्या लगा दिया? जैकेट लगा दिया, तो गन मेटल का बना हुआ जैकेट। अब आप सोचोगे सर गन मेटल का ही जैकेट क्यों? क्योंकि मालूम, अगर आप गन मेटल का जैकेट लगाओगे तो गन मेटल का जैकेट ऐसा होता है जिस पर टेम्परेचर का थोड़ा बहुत टेम्परेचर में अगर चेंजेस आ जाए एटमोस्फेरिक टेम्परेचर में, तो उसको कोई असर नहीं पड़ता है। अगर कहीं कुछ नॉर्मल कंडीशन होती और मालूम पड़ा टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ गया, कुछ हो गया, तो आपकी रीडिंग गलत आ जाती। लेकिन गन मेटल का कवर होने से टेम्परेचर का कोई भी असर आपकी रीडिंग पे नहीं पड़ेगा। आपने देखा है ना, बुलेट फायर की जाती है, आपने मूवीज में देखा है, सामने वाला बुलेट फायर करता है, 2-4 फायर करता है, और फायर करके उसको जेब में डाल के वापस चल देता है। कारण क्या, जो बुलेट जो उसका गन बना हुआ है वो जिस मेटल से बना हुआ, जिस एलॉय से बना हुआ है, उस एलॉय पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है, वो गर्म नहीं होता है। भाई आप देसी कट्टा देख लो, जो देसी कट्टा बनता है, देसी कट्टे से आप बुलेट फायर करो, बुलेट फायर करो, उसके बाद आप देसी कट्टे को डाल लो अंदर, आपको अंदर छील लेगा, पूरा जल जाएगा, पूरा अंदर चमड़ी आपकी जला देगा, तो वो बड़ा खतरनाक, क्योंकि वो नॉर्मल सा क्या करते हैं, साइकिल के कैरियर का जो पाइप होता काट के लगा देते हैं, उससे बना लेते हैं। देसी कट्टा बनाने में क्या लगता है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो लोहा है, लोहा हीट प्रोड्यूस होगी तो गर्म तो होगा, वो गर्म होगा तो आपको दिक्कत देगा। आई बात समझिए, तो हमने गन मेटल का बना हुआ क्या लिया? कवर लिया, जैकेट लिया। तो हमने गन मेटल का बना हुआ क्या लिया? कवर लिया, जैकेट लिया, ताकि टेम्परेचर में आने वाले छोटे मोटे चेंजेस से हमारी रीडिंग पे कोई असर ना पड़े। फिर हमने ऊपर क्या करा, यहाँ पर पिस्टन लगाया है। पिस्टन क्यों लगाते हैं? सबको पता है पिस्टन का काम एक ही होता है, प्रेशर लगाना। पिस्टन क्या काम करता है? प्रेशर लगाता है। साइड में आपने ये क्या लगाया? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्यों लगाया? भाई पिस्टन प्रेशर लगा रहा है तो पिस्टन भी कोई रीडिंग तो लेगा, कोई पिस्टन की रीडिंग तो लेगा ना, नोट तो करेगा कि आपने कितना प्रेशर लगाया। वो नोट कौन करेगा? वो नोट करेगा बैरोमीटर। अब क्या करें, सबसे पहले तो हम यहां पर सॉल्यूशन को फिल कर दें, तो यहां पर एक सॉल्यूशन डाल दें, यहां पर भी हम लोग एक सॉल्यूशन डाल दें। कौन सा सॉल्यूशन? वो वाला सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला है जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, इधर भी और इधर भी, समझ गए ना?
ये आपकी तीन ट्यूब थी ऐसी, ये आपकी तीन ट्यूब थी, बीच वाली में क्या है पानी है, ऊपर वाली में सॉल्यूशन है, नीचे वाली में सॉल्यूशन है, कॉपर फेरोसाइनाइड की एसपीएम लगी है, बढ़िया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप आराम से जाओ कुछ देर घूम फिर के आओ, 15-20 मिनट के लिए आप पूरे आपके अपैरेटस को आप फ्री छोड़ दो, इंस्ट्रूमेंट को आप फ्री छोड़ दो 15-20 मिनट के लिए, और 15-20 मिनट आप आराम से बढ़िया घूम फिर के आप आओ। और जब आप 15-20 मिनट बाद आप घूम फिर के आओगे, समोसा कचौरी खा के आओगे, तब आप देखते हो अरे 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 क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम क्या छोड़ के गए थे और ये क्या हो गया। आप पाओगे कि अरे यहाँ तो लेवल गिर गया है पानी का, लेवल क्या हो गया है, पहले के कंपैरिजन में लेवल थोड़ा सा कम हो गया है। तो आपने देखा लेवल कम हो गया है, फिर आपने एक मेंटोस खाई, आपके दिमाग की बत्ती जली कि क्या हुआ होगा, तो आपको समझ आया कि अरे हुआ तो ये है कि यहां से थोड़ा सा पानी निकल के यहां चला गया है, और यहां से थोड़ा सा पानी निकल के यहां चला गया है, क्योंकि एसपीएम से सॉल्वेंट तो जा सकता है, आई बात समझ। थोड़ा सा पानी यहां चला गया, थोड़ा सा पानी यहां चला गया, तो क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है लेवल डाउन हो गया। आपने कहा कोई बात नहीं, लेवल को वापस से पहले के बराबर लाते हैं, उसके लिए क्या करोगे आप, पिस्टन से लगाओगे प्रेशर, क्या करोगे पिस्टन से क्या लगाओगे प्रेशर, पिस्टन इधर भी लगा है इधर भी लगा है, आपने दोनों पिस्टन एक साथ ऐसे प्रेस करे, जब आपने पिस्टन दबाए तो जो पानी चला गया था सॉल्यूशन में वापस से कहां पे आ गया, सेंट्रल ट्यूब में, और आप लेवल को नोट करते गए, लेवल ऊपर आता गया ऊपर आता गया ऊपर आता गया ऊपर आता गया, जैसे ही लेवल पहले के बराबर आया तो आप रुक गए, जैसे ही लेवल पहले के बराबर हुआ तो आप रुक गए, अब आपने सुकून की सांस ली, बोले हाँ यार लेवल अब पहले के बराबर आ गया। इस टाइम पर आपने बैरोमीटर में रीडिंग देख ली कि बैरोमीटर में क्या रीडिंग है प्रेशर की, और बस आपके बैरोमीटर में प्रेशर की जो रीडिंग थी वही रीडिंग ही अपने आप में क्या कहलाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगी। और इस तरीके से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर को आपने क्या करा, फाइंड आउट कर लिया, और ये हो गई हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की बर्कले हार्टले मेथड समाप्त। कंप्लीट थ्योरेटिकल था ये, अपने आप में कैसा था, कंप्लीट थ्योरेटिकल था। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा, बताओ कोई समस्या है कि समझ आ गया, हाँ या ना जवाब देना फटाफट। बताओ कोई समस्या, बर्कले हार्टले मेथड समझ आई या नहीं, बड़ी आसान सी मेथड थी, कंप्लीट थ्योरेटिकल है। तो ये थी हमारी कौन सी, बर्कले हार्टले मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और अब थोड़ा सा हम कुछ और बातों को समझते हैं। हेलो सीबीएसई वाले क्या पूछते हैं, इतनी लंबी चौड़ी मेथड नहीं, वो पूछते हैं वन मार्कर टू मार्कर, बोलते हैं राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ बर्कले हार्टले मेथड और राइट एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ बर्कले हार्टले मेथड। तो बर्कले हार्टले मेथड की आप कोई दो या क्या बताओ तीन एडवांटेज, क्या आखिरकार बर्कले हार्टले मेथड जो थी उसका एडवांटेज क्या रहा, उसका एडवांटेज क्या रहा, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि बर्कले हार्टले मेथड का एडवांटेज क्या था, तो समझना ध्यान से बर्कले हार्टले मेथड के एडवांटेज क्या रहे, तो समझते हैं बर्कले हार्टले मेथड के एडवांटेज, सुनना ध्यान से क्या होंगे। तो पेन लेते हैं और एडवांटेज लिखते हैं तीन। देखो बर्कले हार्टले मेथड के कुछ एडवांटेज तो रहे हैं, जैसे क्या क्या तो वो सुनना। पहला एडवांटेज बर्कले हार्टले मेथड का ये रहा कि अपने आप में यूज करने में बहुत आसान है, कि अपने आप में यूज करने में क्या है, बहुत आसान है। आपको ऐसा नहीं लगा सुन के कि अगर आपको परफॉर्म करने को दे दिया जाए और अगर आपके प्रैक्टिकल में ये हो तो मजा आ जाए, सर कितनी आसान सी मेथड है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। बोले हमको तो क्या मालूम क्या देते लैब के अंदर, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, टाइट्रेशन, ये वो, उनमें दिमाग थोड़ा लगता है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, बहुत आसान सी मेथड है। मेथड्स इसके पहले भी आई थी, पर जो लोग मेथड लेके आए थे वो एकदम ऐसा ही मेथड लेके आए थे, बड़ी कॉम्प्लिकेट। पर बर्कले और हार्टले की खासियत क्या, मेथड लाए एकदम आसान वाली,
तो अपने आप में यूज करने में बड़ी आसान थी। कैलकुलेशन इससे क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। मेथड क्या हो गई, बहुत आसान हो गई। ज्यादा आपको कोई एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, कोई भी इंसान इस मेथड को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता था। सेकंड, इसमें जो आपने कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करी है, इसमें आपने कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करी है, वो कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, मजबूत और टिकाऊ है। तो अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा भी निकला तो उसकी रीडिंग भी इससे लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसकी रीडिंग भी इससे बहुत आसानी से आप ले लोगे। आई बात समझ, तो आपको वहां भी दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि यूज की गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मजबूत है और टिकाऊ है, तो हाई प्रेशर को भी आसानी से झेल सकती है। ठीक है, थर्ड क्या, अपने आप में वो सुनना कि थर्ड क्या रहा। तो थर्ड कुछ ऐसा, थर्ड पॉइंट ये बन जाएगा यहां पर कि ये जो मेथड है ये बहुत कम टाइम ले रही है। मैंने तो आपको रियल में मालूम मजाक में बोला था 15-20 मिनट, रियल में लगता है जस्ट ओनली 5-7 मिनट। कितना लगता है, 5-7 मिनट्स। तो ये जो मेथड है, ये मेथड अपने आप में क्या करती है, टाइम बहुत कम लेती है, ज्यादा टाइम यूटिलाइज नहीं करती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती है। तो ये हो गई आपके पास थ्री एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बर्कले हार्टले मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, कोई भी दिक्कत आपको बर्कले हार्टले मेथड के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं या नहीं, अगर हां तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर जाने हम एक नई चीज। बताओ पहले यहां तक की बातें आ गई समझ सभी को, तो कमेंट करता रहा करो, कमेंट करते रहने से आपकी एक्टिविटी दिखती कि आप एक्टिव हैं, आपका दिमाग यहां वहां भटकेगा नहीं। जब आपको ऐसा लगे ना कि दिमाग भटक रहा है, क्योंकि होता है ऑनलाइन कई बार, कोई भी इंसान कितना भी अच्छा पढ़ा ले पर आप अकेले हो, आपको कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, तो आपका दिमाग यहां वहां भटकने लग जाता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपका दिमाग यहां वहां दौड़ना स्टार्ट कर चुका है तो कमेंट करने लग जाओ, कमेंट करोगे तो आप वापस से आपका फोकस मेंटेन हो जाएगा। अच्छा चलो आगे बढ़े, उससे पहले थोड़ी सी मैं बातें करना चाहूंगा। सोनिया राठौर, सोनिया क्या आप वही हो, टेंथ वाले सोनिया, मतलब मेरे मन में जो इमेज आ रही है, या फिर कोई नया, क्या हम पहले टेंथ में एक बार मिल चुके हैं, आप वही सोनिया हो या फिर कोई और, क्योंकि मेरे मन में सोनिया को लेकर इमेज तो है, एक क्लिक तो कर रहा है मुझे एक सोनिया जिसको मैंने पढ़ाया है, क्या आप वही सोनिया हो या फिर कोई और। हाँ, राजकुमार को भी आ गया समझ, बढ़िया राजकुमार, राजकुमार वापस कब आओगे यूपी से, क्यों राजकुमार वापस कब आ रहे हो यूपी से। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और बातें, इच्छा है अभी और पढ़ने की आज, थक गए बोले सर अब बहुत हो गया आज के लिए, अब कल पढ़ें। चलो एक बार आपकी राय ले ही लेते हैं, और इच्छा है पढ़ने की आज, कि आज के लिए आप अब गिव अप कर चुके कि नहीं सर अब आज नहीं अब कल पढ़ेंगे, क्या बोलना चाहते हो जल्दी से बताओ, आपकी इच्छाओं का मान सम्मान रखा जाएगा, और पढ़ना है आज कि कल। आज सीएसके और केकेआर में से कौन जीतेगा, टुडे आई एम इन द फेवर ऑफ केकेआर, तो आज मैं केकेआर को जिताऊंगा। शाम को पढ़े यश, चलो एक कमेंट, 5-7 कमेंट के बाद डिसाइड करूंगा मैं। यश का कहना है कि अब शाम को, अभी बहुत हो गया, बाकी लोग क्या बोलते हैं।
अविनाश का कहना है कि और पढ़ लेते हैं। कहां गए बाकी लोग? 19 में से बस दो लोग, कम से कम बोलो। फिजिक्स की क्लास है आज शाम 5 बजे, 5 नहीं 5:30, तो आज 5:30 बजे फिजिक्स की क्लास रहेगी। मालूम यश ने मुझे बहुत बार मैसेज करा, कॉल करा कि सर कब है, मतलब कॉल तो नहीं करा, मैसेज ही करा कि कब लगेगी फिजिक्स की क्लास। में उसको बोलता कि आजकल, पर कुछ कारण थे, समस्याएं आती गई, पर फाइनली आज से हम फिजिक्स सीरीज स्टार्ट कर देंगे। आज किसी प्रकार की हम कोई रुकावट नहीं आने देंगे। मेरी उर्वशी कहाँ गई? उर्वशी बताओ, और पढ़ना है कि नहीं? चली गई उर्वशी पहले ही। गौरी, श्रेया बोल रही है शाम को, दिलेशा बोल रही है आज के लिए बहुत है। मतलब मन मार के भी क्या पढ़ाएंगे आपको? मन मार देंगे तो मजा थोड़ी आएगा, आपका मन तो लगना चाहिए तभी पढ़ने में मजा आएगा। कल ठीक है उर्वशी, अब कल ही पढ़ लेंगे फिर, क्योंकि 2-4-5 वोट आ गए ना पढ़ने वाले, और किसी को हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो फिर वो मजा भी नहीं आएगा। तो अब कल बहुत आज के लिए, हाँ मतलब आज के लिए बहुत नहीं, हम 4 बजे मिलेंगे बायो के लिए, 5:30 बजे मिलेंगे फिजिक्स के लिए, 7 बजे वापस मिलेंगे केमिस्ट्री के लिए। तो भी हम मिलेंगे बहुत बार आज के दिन में, आज हमारी ढेर सारी क्लासेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज के लिए ये एंड है। हाँ पहल, अब आप बोल रहे हो तो आज एंड कर देते हैं। आप बीच बीच में गायब कहाँ हो जाते हो? लगातार प्रेजेंट रहो। राजकुमार बोल रहा है 1 घंटे और। राजकुमार मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जीवन में इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, पढ़ाना और पढ़ाना, पर सबका ध्यान रखना पड़ता है ना, वी हैव टू गो विद द मेजोरिटी। तो ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे शाम को या फिर कल। तो चलो मिलते हैं अब कल। तो बोले आज के लिए अलविदा, बाय बाय सभी को। चलो अच्छा, मैंने अलविदा तो बोला ही नहीं पहले, सभी को आज के लिए बाय बाय अलविदा, मिलते हैं कल, समय आपको अपडेट किया जाएगा। तो आज के लिए सभी को फाइनल एंड लास्ट, अच्छा थे पहल, थैंक यू पहल। तो मिलते हैं हम लोग अब बाद में, आज के लिए बाय बाय। ठीक है, सभी को एक बार वापस से हैप्पी रामनवमी, अब मिलते हैं कल। जय हिंद।